आपको पता है पंडित जी, अभी भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आज आज रामनवमी है, तो इसके वजह से बहुत सारे जो लोकसभा उम्मीदवार जो है वो इस मंदिर में दिखाई दिए गए बहुत सारे। नितिन गडकरी, इनका राजकीय भविष्य क्या बताएंगे? नाना पटोले उनके उनके अपोजिट में अभी खड़े हैं, क्या बताएंगे? नितिन गडकरी के लिए चुनाव टफ रहेगा क्या? देखिए, नितिन गडकरी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मेष राशि एक पराक्रमी, जिद्दी और बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व। जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब से लेकर आज तक, यानी आप समझ लीजिए कि नागपुर में कारपोरेशन से लेकर अब तक, नितिन गडकरी की के जीवन की शैली की बात करें तो एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति और आरएसएस के साथ में जुड़े हुए, राष्ट्र प्रेम में एकदम ऐसा समझ लीजिए सींचे हुए। और नितिन गडकरी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 27/5/1957 सोमवार का दिन रात को 9:24 मेष राशि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और ऐसा समझ लीजिए ऑलमोस्ट अमावस्या का जन्म हुआ है। इस वक्त जब चुनाव हुए, तो परसों उनका चुनाव हो चुका है, इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इस वक्त गुरु की महादशा लगी है। 14/2/2008 से उनकी गुरु की महादशा लगी है। आप 14/2/2009 से देख लीजिए, नितिन गडकरी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाने लगे। पहले वो अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद 2014 में उन्होंने बहुत भारी मतों से नागपुर की सीट जीती और आज के दिन वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और सबसे सही काम अगर हम देखें तो आज के दिन मोदी सरकार का जो पोर्टफोलियो है, सबसे सही काम, सबसे ज्यादा काम, सबसे सक्षमता क्रेडेंशियल अगर किसी को मिलती है तो वो नितिन गडकरी को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, नाना पाटोले की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली नाना पाटोले की कुंडली भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर हम नेक टू नेक की बात करें तो नेक टू नेक में भी नहीं, नितिन गडकरी कम से कम 2 लाख वोटों से, 1,80,000 से 2,50,000 वोटों से वहां पर विजयी होंगे। और यहां पर बेटा मैं एक बात कह देना बहुत जरूरी समझता हूं कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अगर यह चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का अगर मोदी जी के बाद कोई दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में उभरता है तो वो नन अदर देन नितिन गडकरी। नितिन गडकरी आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो चेहरा होंगे जो इस राष्ट्र का संचालन करेंगे। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 2024 तक गुरु की महादशा लगी हुई है, अगर ये सरकार इस वक्त किसकी बनती है हमने ये प्रेडिक्ट नहीं किया अभी तक। डेफिनेटली हम पलड़ा इधर उधर का बताते रहते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, मगर इस वक्त नितिन की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो गुरु में सूर्य लगा हुआ है, बल्कि नाना की कुंडली में भी बड़े अच्छे योग हैं। नितिन को अपने ही पार्टी के छुपे हुए, यानी हिडन एनिमीज, छुपे हुए शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर मैं नितिन जी के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उनकी कुंडली में, उन छठे घर में, छठा और आठवां घर जो है, छठा घर जो होता है वो हेल्थ का होता है, यानी सेहत का माना जाता है, और आठवां घर जो है आयु का माना जाता है। छठे घर में शुक्र के साथ में सूर्य बैठा हुआ है, छठे घर में जब शुक्र बैठा होता है तो किसी ना किसी तरह आदमी की सेहत के ऊपर आघात करता है। बिल्कुल भी किसी भी तरह की अपनी सेहत को दरकिनार ना करें, डोंट बी केयरलेस अबाउट योर हेल्थ। मैं इस मंच के माध्यम से पहले भी नितिन गडकरी को राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में 2-3 बार भविष्य बोल चुका हूं, और इस वक्त अगर मैं आपसे, अगर ये कार्यक्रम उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सुन रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हेल्थ हाउस में बैठा हुआ शुक्र सूर्य के साथ में, वो भी किसी ना किसी तरह आपके, आपकी सेहत के ऊपर आघात पहुंचाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह आपने देखा था कि मुहूर्त के टाइम के ऊपर मोदी जी की सरकार पे मुहूर्त रात को किया गया है, उसमें कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई,
आपने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने, उनकी मृत्यु हो गई, कितने बीमार पड़े हुए हैं। सुषमा जी बीमार हैं, जेटली जी बीमार हैं, मनोहर परिकर स्वर्ग सुधार चुके हैं, मुंडे साहब स्वर्ग सुधार चुके हैं। तो मुहूर्त के ऊपर काम करना बहुत अनिवार्य होता है। और इसी मंच के माध्यम से मैं फिर एक बार कहता हूं कि नितिन गडकरी आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के योग लेकर आते हुए दिखाई देते हैं।